तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज मैं यहाँ पर आपको कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024 का हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा, जिससे कि आपको कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा का हिंदी का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा का जो पेपर होगा ना, कुछ इस प्रकार का आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। जैसे आपके हाथ में प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन पेपर आता है, सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर लिख लेने हैं। और देखिएगा कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा 2024 का आपका ये हिंदी का पेपर है, जिसका कि आज मैं यहाँ से आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। टोटल क्वेश्चन आपके पेपर में आपसे 23 पूछे जाएंगे और टोटली प्यारे विद्यार्थियों आपका 80 नंबर का पूरा पेपर होगा। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा का आपका हिंदी का पूरा पेपर है, जिसका कि आज हम यहाँ से सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो देखिएगा आपके पेपर का कोड कुछ इस प्रकार का होगा। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा का पूरा पेपर है, जिसका कि आज हम यहाँ से सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलेगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपकी कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा 2024 के आपके हिंदी विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में पूरे अंक प्राप्त कर सको। टोटली ए टू जेड क्वेश्चन बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से समझ लिया। तो चलेगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा के हिंदी के पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को, जिससे कि आपको पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं हिंदी विषय के पेपर में पूरे अंक प्राप्त कर सको। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार का आपका पूरा पेपर होगा। यहाँ से आप लोग इसको देख लें। चिरागा किसके लिए ते था, सही विकल्प आपसे पूछे गए हैं। चिरागा किसके लिए ते था, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा हर एक घर के लिए ते था। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, नीर भरे नित प्रति रहे तव न प्यास बुझाई में कौन सा अलंकार होगा, तो देखो इसमें विशेषोक्ति अलंकार होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विदाई संभाषण किस विधा की रचना, तो देखो ये व्यंग विधा की रचना, क्या लिखना है यहाँ से आपको व्यंग। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने के भेद होते हैं, तो देखो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन, पर्जन्य का अर्थ क्या है, तो देखिएगा पर्जन्य का अर्थ होता है बादल। तो यहाँ से आप सब लोग इस प्रश्न के उत्तर को भी पूरा कंप्लीट कर लो। अगला क्वेश्चन, किसी सामग्री से उसकी अशुद्धियों को दूर करके उसे पटनी बनाना क्या कहलाता है, देखो इसको कहते हैं संपादन। संपादन इसका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लीजिएगा। अब उसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब देखो रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको कैसे करनी है। पहला रिक्त स्थान, घर की याद कविता ऋतु में लिखी गई, किस ऋतु में लिखी गई, वर्षा ऋतु में लिखी गई, को व्याभिचारी भाव भी कहते हैं, तो देखो किसको, संचारी भाव को व्याभिचारी भाव भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, नागेंद्र ने को पुनर्जागरण का काल कहा, तो देखो भारतेंदु युग, तो यहाँ पर आपको भारतेंदु युग को पुनर्जागरण का काल कहा, यह आपको लिख लेना है। सरकारी कामकाज की भाषा को कहते हैं, देखो सरकारी कामकाज की भाषा को क्या कहते हैं, राजभाषा, तो यहाँ पर आपको राजभाषा लिख लेना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, तातुस थे, तो देखो तातुस क्या थे, लेखक थे, तो यहाँ पर आपको लेखक लिख लेना है। अगला क्वेश्चन, सन 1894 में बनी फिल्म द अराइवल ऑफ द ट्रेन देश में बनी, किस देश में बनी, तो देखो फ्रांस देश में बनाई गई थी ये फिल्म, ठीक है ना। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को कंप्लीट कर लीजिएगा, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में इसको पूरा हल करके लिख कर आ सको। टोटल यहाँ तक के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं, तो आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। अब इसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है। निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य असत्य आपको लिखने हैं। अब देखो सत्य असत्य आपको कैसे लिखना है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है, पास पंजाबी साहित्य के कवि है, बिल्कुल सत्य होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है, देखिएगा यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है, रजनी पटकथा में कुल 7 दृश्य है, तो देखो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। लोकोक्ति के पीछे कोई घटना या कहानी अवश्य होती है, ये भी सत्य होगा। आलो अंधारी का अर्थ है अंधेरे का उजाला, तो देखो ये बिल्कुल सही है। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, शब्दकोश में 6 अक्षर का वर्ण का वर्ग के साथ में ही आता है, तो देखो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। तो ऐसे आप सब लोग यहाँ से सत्य असत्य को देख लीजिएगा। अब उसके बाद में देखो जोड़ी का मिलान इस प्रकार से आपसे पेपर में पूछा जाएगा। अब चलो मैं आपको जोड़ी का मिलान भी बता देता हूँ, जिससे कि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में इसमें से पूरे अंक प्राप्त कर सको। टोटली ए टू जेड जोड़ी का मिलान बताऊँगा, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होने दूंगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और इसके मिलान को समझते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, त्रिलोचन की जोड़ी किससे मिलेगी, चंपा काले अक्षर नहीं चीनती है से। अक्क महादेवी की जोड़ी मिल जाएगी, हे भूख मत मचल से। उसके बाद में देखो कृष्णचंद्र की जोड़ी मिल जाएगी, जामुन का पेड़ से। उसके बाद में देखो महाकाव्य की जोड़ी मिल जाएगी, सर्ग में बंदी रचना से।
उसके बाद में देखो निपात शब्द की जोड़ी मिल जाएगी तुम भी आ गए से, प्रबोध कुमार की जोड़ी मिल जाएगी आपकी आलो अंधारी से, और उसके बाद में अनुस्मारक की जोड़ी मिल जाएगी रिमाइंडर से। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग यहाँ से जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लो, ताकि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में इसको पूरा हल करके लिख कर आ सको। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं, तो आप सब लोग इनको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। अब उसके बाद में देखो इन क्वेश्चंस को देख लो आप सब लोग। प्रश्न नंबर 5 में जो पूछे गए, निम्नलिखित प्रश्नों में एक उत्तर आपको, एक एक उत्तर आपको लिखने हैं। तो देखो इस प्रकार से आप सब लोग इनके उत्तरों को देख लो। पहला क्वेश्चन, कबीर के अनुसार मानव शरीर का निर्माण किस 5 तत्वों से हुआ? तो देखो इनका निर्माण हुआ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से। तो यहाँ से आप सब लोग इनके उत्तरों को देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा लिखिए। देखो आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा होगी वाक्यम रसात्मक काव्यम। इस प्रकार से आप लोग इसको देख लें। न्याय के मैदान में किन के बीच युद्ध ठन गया? तो देखो धर्म और धन के बीच में युद्ध ठन गया। अगला क्वेश्चन, अपू की माँ का क्या नाम था? तो देखो सर्वजया अपू की माँ का नाम था। तो इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। राग मालकोश किसे कहते हैं? तो देखो रात्रि में गाया जाने वाला राग प्रसिद्ध राग है, जिसे राग मालकोश कहते हैं। संकेतवाचक वाक्य का एक उदाहरण आपको बताना है। देखो शिक्षक आते तो पढ़ाई होती है, ये संकेतवाचक वाक्य का एक उदाहरण है। खोज परक पत्रकारिता क्या है? तो देखो खबरों को खोज कर निकालना खोज परक पत्रकारिता कहलाती है। तो यहाँ से आप सब लोग इन प्रश्नों के उत्तर को देख लीजिएगा। अब उसके बाद के क्वेश्चन ये पूछे गए, छायावादी कविता की विशेषताएं आपको बतानी है। कलकत्ता पर बजर गिरे चंपा ने ऐसा क्यों कहा? महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर आपको बताना है। उसके बाद में देखो छोटा छंद की परिभाषा आपको लिखनी है। कहानी तथा उपन्यास में आपको अंतर बताना है। लॉर्ड कर्जन के व्यक्तित्व की विशेषता आपको बतानी है। निर्देश अनुसार आपको इन वाक्यों को परिवर्तित करना है। अब उसके बाद में इधर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो देखिएगा इधर आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे। प्रश्न नंबर 13 को आप लोग देख लीजिएगा, और 13 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 14 को देख लीजिएगा। 14 के बाद में देखो 15वें क्वेश्चन को देख लें, 16वें क्वेश्चन को देख लीजिएगा, 17वें क्वेश्चन को देख लीजिएगा, 18वें क्वेश्चन को देख लें और 19वें को देख लें। इसी प्रकार के क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में आपसे पूछे जाएंगे, तो आप सब लोग यहाँ से इनको अच्छे से देख लीजिएगा। अब उसके बाद में देखिएगा 20वां क्वेश्चन ये आपको दिया गया है, और 20 के बाद में देखिएगा 21वां क्वेश्चन ये आपको यहाँ पर दिया गया है। तो आप सब लोग 21वें क्वेश्चन को भी देख ले पूरा और समझ ले अच्छे से। अब उसके बाद में देखो 22वां क्वेश्चन ये आपको दिया गया है, इसको भी आप लोग देख ले और पूरा का पूरा समझ लें। और 23वां क्वेश्चन ये लिखा है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ। तो देखिएगा इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में आपसे पूछे जाते हैं, तो आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में इनको पूरा का पूरा लिख कर आ सको। अब देखिएगा इसी प्रकार के सभी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। बहुत ही जल्दी प्यारे विद्यार्थियों इसका मैं फुल सॉल्यूशन दे दूंगा, जिसमें आपको मैं पूरा का पूरा इसका सॉल्यूशन उपलब्ध करवा दूंगा। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो आप सब लोग इसको अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।